चुनाव का शुरुआती रुझान सामने आ चुका है और अभी जो समय हो रहा है वो 3:20 हो रहा है। 3:20 पे जो अभी शुरुआती रुझान है, जो अभी 30% वोट का मतलब 30% वोटिंग का काउंटिंग हो चुका है, इसमें एनडीए को 30, आरजेडी को 104 और अन्य के खाते में 9 सीट जा रहे हैं। ऐसे लोग आरजेडी के लोग अनुमान लगा रहे हैं, चाहे उनके समर्थक बता रहे हैं कि लालटेन जलने का समय 5 बजे के बाद लालटेन जलाया जाता है, जब वो धूली बेरा हो जाती है, जब शाम हो जाती है तब तो शाम को लालटेन जल जाएगी। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और उधर एनडीए के लोगों का कहना है कि हमें जो भी सुशासन है, सुशासन के विकास को वोट मिला है, विकास के नाम पे वोट मिला है, तो इस सब सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र में चुनावी चर्चा लेकर हम हाजिर है और जो रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में क्या फैक्टर रहा है आगे पीछे जाने का, कैसे वोटिंग का जो क्या टेंडेंसी रहा है, वोटर किस मुद्दे को पकड़े हैं और किधर झुके हैं, और पार्टियों की तरफ से क्या खासियत रही और क्या उनकी गलतियां रही, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक 1,69,00,000 वोटों की गिनती हो चुकी है और अभी 2,47,00,000 वोटों की गिनती बाकी है। लेकिन हम चर्चा में जाने से पहले हमें बता दें कि अभी विभिन्न चैनलों पे क्या दिया जा रहा है कि किसको कितने सीटें पर बढ़त है। तो अभी एनडीए 131 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी 103 सीटों पर, और अन्य के खाते में 9 जाता है। तो इस चुनाव में जैसा एग्जिट पोल पहले आया था तो उस समय लगता था कि सभी मैक्सिमम एग्जिट पोल जो आया, एग्जिट पोल जो का रिजल्ट आया उसमें महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया जा रहा था और तेजस्वी यादव को ताज मिलने की बात की जा रही थी। कल चूंकि तेजस्वी यादव का बर्थडे भी था तो लोगों का अनुमान था कि उनके बर्थडे गिफ्ट में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। लेकिन अभी जो फिलहाल अभी तक 3 बजे तक का जो रुझान आ रहा है उससे लग रहा है कि यह आसान इतना नहीं है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने जिस मजबूती से और जिस परिपक्वता से चुनाव लड़ा वो तो चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा में है। क्योंकि यह चुनाव 15 साल सत्ता से दूर रहने के बाद तेजस्वी यादव में एक सत्ता की भूख थी और उस भूख को शांत करने के लिए और उनके समर्थकों में जो चाहत थी कि हम सत्ता में आए, उसका जमीन पर भी स्पष्ट देखने को मिला। बहुत जगह जब तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ था तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष था, मतभेद थे, लेकिन जैसे ही टिकट लेके कोई आया तो यहाँ के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार किए। और ये चीज जो एकता के साथ और सीट शेयरिंग का जहाँ तक बात करें कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करते हुए कांग्रेस को भी एक बहुत बढ़िया सीट दिया और अब ये जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्हें भी अच्छी सीटें दी। लेकिन उसका लेफ्ट की पार्टियां तो कुछ मतलब बेहतर कर रही हैं, लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस को ज़्यादा सीट देना है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से बढ़ घट रहे हैं अभी चुनावी जो रुझान घट रहे हैं उसमें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनावी पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हम चैनलों की बात कर रहे थे तो जिस तरह से फ्लैश हो रही है हर चैनल पे वो कहाँ से कौन जीत रहा है, कौन ये फ्लैश हो रही है, तो यहाँ तक बीजेपी जो तीसरे फेज का जो चुनाव हुआ था, तीसरे फेज का चुनाव, उसमें बीजेपी और या जेडीयू के लोगों का ज़्यादा रुझान आ रहा है, बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। लेकिन पहले फेज में अगर आप गौर करेंगे तो पहले फेज का जो चुनाव हुआ उसमें आरजेडी प्लस बढ़त बनाए हुए है। और हम जहाँ पे रहते हैं मगध का क्षेत्र है ये औरंगाबाद जिला की बात करें तो यहाँ औरंगाबाद जिला के मतलब 6 की 6 विधानसभा आरजेडी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बगल में मेरा गया जिला है, गया जिला में भी मतलब शहरी क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो, और एक जीतनराम मांझी का इमामगंज क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटें जो है सो आरजेडी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और हमारे बगल में रोहतास जिला की बात करें तो रोहतास जिला में भी करीब सातों की सातों सीटें
आरजेडी महागठबंधन की ओर ऐसा रुझान बता रहा है कि उधर जाएगा। खैर फिलहाल तो ये तो बात की बात है, अभी देर तक इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है सो वो देर तक चलेगी, और चूंकि इस बार कोरोना के चलते बढ़ा था, बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, इसके चलते ज़्यादा बूथ था तो काउंटिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम अब भी बात कर रहे थे कि इन चैनलों पर क्या अभी चल रहा है, तो अभी हम आज तक का बता दें जो हमेशा फ्लैश हो रहा है, आज तक में भी एनडीए को 129 दिखा रहा है और आरजेडी को 103 दिखा रहा है। हम दूसरे चैनल को बदल कर देखते हैं कि और क्या बता रहा है। जी न्यूज पर अभी जो है सो वो बता रहा है कि यहाँ वोट प्रतिशत क्या है, तो बीजेपी 20%, आरजेडी 23%, जेडीयू 16% और कांग्रेस 9%। और यहाँ जो बढ़त की संख्या जो बताई जा रही है कि बीजेपी 229 और आरजेडी 103, अदर्स के खाते में 11 जा रहे हैं। और अगर पार्टी वाइज अगर हम इसका तुलना करें तो जो है महागठबंधन की ओर से करें तो आरजेडी 65, कांग्रेस 20, सीपीएम 4 और 3, और अदर्स की बात करें तो एलजेपी 1 पर, आरालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है 0 पे जा रही है, जैप भी 0 पे जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो एआईएम है ओवैसी की पार्टी वो 4 सीटों पे बढ़त दिख रहा है। तो बिहार में वो एआईएम की हैदराबाद की पार्टी है उसकी एंट्री है जो पूर्णतः एकदम जो इस्लामिक नजरिए से या कहिए कि एक कट्टरपंथी सोच की पार्टी है उसे भी बिहार में 4 सीटें मतलब 4 सीटें पर बढ़त बनाई हुई है। इस तरह से पूरे अदर 11 सीटें पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी 73, जेडीयू 50 और हम 2 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप दिखता है कि जेडीयू की जो सीटें कमी है और बीजेपी की सीटें बढ़त हुआ है। इसका एक फैक्टर माना जा रहा है कि एलजेपी ने जहाँ जहाँ जेडीयू के खड़े थे, जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार थे वहाँ एलजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया था। इससे लगता है कहीं ना कहीं एलजेपी ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो पहले भाजपा के साथ थे वहाँ से उनका विवाद हुआ, उसके बाद आरजेडी के साथ थे वहाँ से भी विवाद हुआ और अलग हट गए, लेकिन वो किसी भी सीट पे बढ़त बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया गठबंधन का सीट शेयरिंग का। लेकिन अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार को अगर इस बार नीतीश कुमार फिर से जीतते हैं तो नीतीश कुमार को इस बार उनकी मजदूरी मिलेगी। पहले टर्म में जो चुनाव हुआ था, पहला टर्म में तो नीतीश कुमार को लाया गया था वो बदलाव के लिए लाया गया था, जो तथाकथित प्रचारित है कि जंगल राज का जो हल्ला था, जो वो जंगल राज कहते थे, उसमें कानून व्यवस्था विकास के नाम पे कुछ नहीं था, तो बदलाव के लिए नीतीश कुमार को लाया गया था। दूसरी बार जो लोग जंगल राज से इतने डरे हुए थे कि दूसरी बार फिर भी और ज्यादा ताकत के साथ नीतीश कुमार को ला रहे थे, उन्हें लग कहीं ना कहीं जनता को लग रहा था कि फिर से जंगल राज आ न जाए। अब तीसरे टर्म में कहा जाए कि नीतीश कुमार को इनाम मिला था, तीसरे टर्म में नीतीश कुमार को इनाम मिला था, और वो इनाम इस तरह से कहा जाए कि तीसरे टर्म में जो नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था वो चेहरा थे मुख्यमंत्री का, लेकिन साथ में आरजेडी थी। आरजेडी का एक बेस वोट है और नीतीश कुमार के पास जो एक वोट है, दोनों मिलकर बिहार में एकदम बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार भी 3 साल चलाई थी, लेकिन फिर दोनों में किसी तरह की बात हुई, गठबंधन नहीं चल पाई और फिर भाजपा के साथ आ गए। यहाँ पर चूंकि अब तीसरे टर्म में 15 साल का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है कि 15 साल किसी एक चेहरे को सामने देखना और उसको फिर से रिपीट करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जनता ने इस बार अगर नीतीश कुमार को फिर से बुलाता है तो एकदम स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को मजदूरी दिया जा रहा है, उन्होंने जो 15 साल जो काम किया उसकी मजदूरी जनता ने दिया है। एक चीज और है कि तीसरे फेज के जो लास्ट दिन का जो चुनाव प्रचार था उस समय नीतीश कुमार ने एक बहुत ही मार्मिक घोषणा कर दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है या आखिरी मेरा भाषण है, इसके बाद भाषण है, तो लोगों ने समझा था कि, और चाहे नीतीश कुमार जो भी कहना चाह रहे हो, मैं भी यही समझा था कि वे उन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा कर दी। तो एक सम्मानजनक संन्यास देने के लिए जनता
भी शायद अगर उन्हें जिताती है, अगर वो संन्यास लेते हैं तो एक सम्मानजनक संन्यास उनको मिलेगा। लेकिन अभी हम जब टीवी देख रहे थे तो टीवी देखते समय एक जेडीयू के नेता ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वो संन्यास ले रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम जो अभी जो आज लास्ट दिन है और 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरी आखिरी रैली है। खैर, शब्दों से खेलना नेताओं का काम है, मेरा काम यह नहीं है। हम आप तो जो नेता कहते हैं वो सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। खैर, नेताओं की बात अलग होती है, उनकी भाषा खग जाने खगेश की भाषा, राजनीतिक पंडित इस बात का मतलब निकालेंगे। लेकिन अभी जो अभी सब चैनल की बात की जाए, अगर NDTV की नहीं की जाए तो थोड़ा बेमानी होगी। NDTV पे BJP को 72, JDU के 50 और पूरा NDU को 130 और महागठबंधन को 102 दिखाया जा रहा है, जबकि LJP को 1 और अन्य के खाते में 0 दिया जा रहा है। ये रुझान बता रहे हैं, कोई मतलब कोई एग्जिट पोल नहीं है। तो दोस्तों, हम फिर भी बात करेंगे, अन्य मुद्दे पर बात करते रहेंगे, और जैसे जैसे चुनाव का परिणाम आएगा और जो भी स्थिति होगी स्पष्ट होगी, उस बारे में वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके चलते, और हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम अगले वीडियो में हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जहां से जो जीत का कारण या हार का कारण बनता है। और यह मैं जो चर्चा जो है से मैं जो खुद भर पूरे इलेक्शन में उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार में खुद घूमा हूँ, और उसका जो निचोड़ निकला है और मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो खैर, आजकल अभी के इस वीडियो में इतना ही, और आप अपना ख्याल रखें। और आपसे एक गुजारिश और है कि एक चैनल अगर को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भारत माता की जय। जय हिंद।